हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके रिवीजन में। आज अपने बात कर रहे हैं 16 सितंबर की और जो भी 16 सितंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के बारे में। सो बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है अगस्त मंथ के लिए 2021 का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो अभी हाल ही में किसने जीता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जोए रूट, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इनको अगस्त मंथ के लिए जो अवार्ड है ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है। इसी तरह से वुमेंस की यदि अपने बात करते हैं तो आयरलैंड कंट्री की एमियर रिचर्डसन जो है इनको इस अवार्ड से जो है नवाजा गया है। ये जो अवार्ड्स है बेसिकली 2021 जनवरी मंथ से दिए जाने लगे थे और जो सबसे पहला जो अवार्ड दिया गया था भारत के जो ऋषभ पंत है उनको ये अवार्ड जो है वो प्रोवाइड करवाया गया। अब बात करते हैं जो जुलाई मंथ के लिए शाकिब अल हसन जो कि अपने बांग्लादेश के और स्टेफनी टेलर जो है इनको ये अवार्ड दिया गया था। और इसी तरह से यदि अपने बात कर रहे हैं फर्स्ट मंथ की तो अपने जैसे कि जनवरी मंथ की बात करते हैं तो ऋषभ पंत हुआ और सैमनी इस्माइली थी उनको मिला था। इसी तरह से फेब मंथ की बात करते हैं रविचंद्र अश्विन और टैमी ब्योमोंट को प्रोवाइड करवाया गया था। फिर बात करते हैं मार्च मंथ की तो भुवनेश्वर कुमार और लिजले ली को ये अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया था। अप्रैल मंथ की बात करते हैं तो बाबर आजम और अलाइसा हेलिक को। मई मंथ की बात करते हैं तो मुशविर रहीम और कैथरीन ब्रियास को। और जून मंथ की यदि अपने बात करते हैं तो कॉनवे डेवॉन कॉनवे है और सॉफली एक्लेस्टॉन जो है इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर अपने बात कर रहे हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और हाँ, ये जो अवार्ड है बेसिकली ICC के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और जो यहाँ पर दिए गए हैं अवार्ड्स उन सभी के बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। आप लोग मुझे यहाँ से बताइएगा कि जो जुलाई मंथ है जुलाई मंथ के लिए किन दो पर्संस को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा सुपर 30 जो एक 30 बच्चों का ग्रुप माना जाता है जहाँ पे गरीब बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है जिसके लिए उनको IIT के लिए कोचिंग दी जाती है तो उनके जो फाउंडर है आनंद कुमार जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आनंद कुमार जी को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिसके तहत इनको लगभग 10,000 जो रुपीज़ है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसी के साथ साथ एक ब्रॉन्ज मेडल जो है वो भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो ब्रॉन्ज की एक मूर्ति है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। फिर बात करते हैं नमिता गोखले के बारे में। इनको जो है 7th नंबर का यामिनी हजारिका जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया जाएगा और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो होता है जयपुर के अंदर जिसका आयोजन किया जाता है उसकी को फाउंडर भी ये मानी जाती है और बेसिकली ये जो है एक राइटर है। फिर बात करते हैं भानुमति घीवाला के बारे में। सो इनको जो है फ्लाइट एंगल नर्स का जो पुरस्कार होता है फ्लाइट एंगल उससे इनको सम्मानित किया जाएगा और ये बेसिकली एक नर्स के रूप में कार्य कर रही है। फिर बात करते हैं सुजाना क्लार्क के बारे में। सो सुजाना जो क्लार्क है इनके बारे में उन्होंने कल ही चर्चा की थी और उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि ये जो है इनको कौन से अवार्ड से भी हाल ही में सम्मानित किया गया था। और हाँ, यदि मुझे आप इसका आंसर कमेंट्स में बताते हैं तो आपका जो नाम है विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो पब्लिश किया जाएगा जो कि आपका 17 सितंबर का वीडियो होगा उसके अंदर। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया के ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में किसे नामित किया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा भारत के रहने वाले राजा रणधीर सिंह जी को जो है इसके लिए नियुक्त किया गया है। ये बेसिकली एक शूटर है और इन्होंने 1978 के अंदर जो एशियन गेम्स हुए थे वहाँ पर ये गोल्ड मेडलिस्ट थे। और इसी तरह से बात करते हैं तो 5 times ये जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है। इसी तरह से एम वेणुगोपाल की बात करते हैं तो NCLAT के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं इनको भी नियुक्त किया गया। इकबाल सिंह लालपुरा जी की यदि अपने बात करते हैं तो अभी इनको जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किए गए हैं। और नीलेप सिंह जी की बात करते हैं तो नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड के जो अध्यक्ष है वो भी नियुक्त किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। संसद की लाइव रिपोर्टिंग देखने के लिए
जो टीवी चैनल है उसका नया नाम क्या रखा गया है और उसको अभी स्टार्ट किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद टीवी जो है बेसिकली इसका जो नाम है वो रखा गया। ये संसद टीवी जो है राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी इन दोनों को कंबाइन करके इसका जो नाम है वो रखा गया है। पहले ये जो दोनों टीवी चैनल थे राज्यसभा के लिए अलग था और लोकसभा के लिए अलग था, अब इन दोनों की कार्यवाही संसद टीवी पर आप डायरेक्टली देख सकते हैं। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, भारत में 15 सितंबर को कौन सा दिवस जो है वो मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नेशनल इंजीनियर्स डे जो है बेसिकली भारत के अंदर ये मनाया जाता है, और जो हमारे विश्वेश्वरैया जी थे उनका जन्म जो 1860 से 1962 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी और जन्म जो 1860 के अंदर हुआ था। और इसी तरह से यदि बात करते हैं तो फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर जो है वो भी इनको कहा जाता है, मैसूर के जो आधुनिक पिता है उनके नाम से भी इनको जाना जाता है, और इन्हीं की याद में बेसिकली ये जो डे है वो मनाया जाता है। भारत सरकार के द्वारा 1968 के अंदर इसकी घोषणा की गई थी कि इनके जो बर्थ डे है उसको राष्ट्रीय अभियांत्रिकी दिवस के रूप में मनाया जाए। इसी तरह से बात करते हैं 1955 के अंदर जो है भारत रत्न अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है, जैसे कि 15 सितंबर को ही विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस जो है वो भी मनाया जाता है, और इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो भी बेसिकली मनाया जाता है। और ये जो डे है बेसिकली आपका जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसकी एक शिफ्ट के अंदर पूछा गया था कि 15 सितंबर को पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन सा डे जो है वो मनाया जाता है। इसी तरह से बात करते हैं शिक्षक दिवस की, तो शिक्षक दिवस जो है वो भारत के अंदर 5 सितंबर को है वो मनाया गया था। अब यदि अपने बात करते हैं बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने यहाँ पर सभी प्रकार के जो पटाखे होते हैं उनके भंडारण और बिक्री और उनको आग लगाने या फोड़ने को जैसे अपने कहते हैं बजाने जो होते हैं उन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली सरकार के द्वारा बेसिकली इसकी घोषणा की गई है, क्योंकि जो बात करते हैं दीपावली मंथ जो होता है, दीपावली जिस मंथ के अंदर होती है उस मंथ के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित शहर पूरे वर्ल्ड के अंदर गिना जाता है वो दिल्ली को पिछली बार अंकन इसका किया गया था। सो उसी को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए बेसिकली अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो है आपकी सरकार है उसके द्वारा इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। फिर बात करते हैं उत्तराखंड की, सो उत्तराखंड के जो नए राज्यपाल अभी नियुक्त किए गए हैं उनको अभी वहाँ पर शपथ दिलाई गई है, सो इनका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ये लास्ट पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर चर्चा में रहा है, इसी वजह से ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसका नाम आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर। फिर बात करते हैं तेलंगाना के अंदर, सो पूरे भारत के अंदर ये पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिन के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटी है जैसे कि कुछ मेडिसिन वगैरह है, दवाइयाँ वगैरह है, वो सभी जो है वो ड्रोन के माध्यम से या फिर एयर के माध्यम से पर्टिकुलर प्रोवाइड करवाई जा रही है। और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो बाजरा दिवस यहाँ पर मनाया गया जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य को बाजरा का हब बनाए जाने की घोषणा यहाँ पर की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, या फिर यहाँ पर उन्होंने बात किया दिल्ली की, सो बात कर रहे हैं दिल्ली के बारे में, ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया दिल्ली का शो किया गया, दिल्ली के साथ हरियाणा राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य की जो बाउंड्री है वो टच होती है। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उपराज्यपाल जो है अनिल बैजल जी बने हुए हैं। इस राज्य का जो निर्माण हुआ था, दिल्ली का जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था उसको 1956 के अंदर और 1911 के अंदर इसको बेसिकली एक राज्य का दर्जा मिला था, और जो ये यूनियन टेरिटरी बना था दिल्ली वो संविधान के अंदर 69वां जो संशोधन किया गया था उसी के तहत ये बनाया गया था। और ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत को राजधानी जो है वो कब बनाया गया, फर्स्ट क्वेश्चन, और कौन सा संशोधन के तहत इसको जो है यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था। फिर कुतुब मीनार हुआ, रेड फोर्ट हुआ, लोटस कमल हुआ, ये जो है तीनों फेमस चीज़ें हैं वो बेसिकली यहाँ पर दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। विधानसभा के अंदर 70 और लोकसभा के 7 और राज्यसभा की जो है एक सीट यहाँ पर, राज्यसभा की कोई भी सीट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ब्रेंडन टेलर ने किस देश से संबंधित है जिन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा जो है वो की है? तो इसका राइट आंसर होगा जिम्बाब्वे के ये प्लेयर हैं और ये यहाँ के फॉर्मर कैप्टन भी थे, तो इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा जो है वो कर दी है। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की जो आधारशिला है वो अभी हाल ही में किस राज्य में रखी गई है और किसने इसका रखी है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर बेसिकली इसकी जो आधारशिला है वो अभी रखी गई है, और ये जो आधारशिला है वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी उनके द्वारा बेसिकली
इसकी जो आधारशिला है वो रखी गई है। अब बात करते हैं अपने ये जो विश्वविद्यालय है, बेसिकली उत्तर प्रदेश के जो अलीगढ़ क्षेत्र है जिसको तालों का क्षेत्र भी कहा जाता है, वहाँ पर बेसिकली ये जो विश्वविद्यालय है वो ओपन किया जाएगा, जिसके तहत अराउंड 350 जो विश्वविद्यालय है जो विद्यालय है वो इसके अंदर में आएंगे। फिर बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में, अपने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। असम की यदि अपने बात करते हैं तो असम की सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और कार्बी समूह के लोगों के बीच अभी यहाँ पर समझौता किया गया है। और ये वाला जो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा कि कार्बी जो समुदाय के लोग हैं वो बेसिकली किस राज्य के अंदर निवास करते हैं, तो ये वाला जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। इसी तरह से लद्दाख की बात करते हैं तो विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर जो थिएटर अभी ओपन किया गया है, जो कि एक टेम्परेरी है, वो लद्दाख के अंदर ओपन किया गया था। अब बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन को CGWR, इसको आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन दिया उसको भी आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में, जो कि आपका 15 सितंबर का था। सो फिक्शन 2021 का महिला पुरस्कार जो है वो किसको मिला, सो इंग्लैंड की रहने वाले सुजाना क्लार्क जो है उनको सम्मानित किया गया। NCLAT के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में M वेणुगोपाल जी को नियुक्त किया गया है, जो कि मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व अध्यक्ष भी है, जो मुख्य न्यायाधीश है वो भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदर धाम जो है भवन का उद्घाटन है, ये बेसिकली अहमदाबाद जो सिटी है गुजरात की, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो सदर धाम भवन है बेसिकली गुजरात के रहने वाले जो पटेल समाज है या फिर अपने पाटीदार समाज जिसको अपने कहते हैं, उनके द्वारा बेसिकली ये बनाया गया है। इसी तरह से 14 सितंबर को भारत के अंदर जो है नेशनल हिंदी दिवस मनाया गया था। री बिगिन प्रोजेक्ट जो है वो TCS कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया गया। बाजरा मिशन छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ए रूट लाइफ द मेमोरी पुस्तक जो है वीर सानवी के द्वारा लिखी गई, जो कि एक जर्नलिस्ट है। और IOC के द्वारा 2022 के अंदर जो शीतकालीन ओलंपिक गेम होंगे चाइना के अंदर, उनसे नॉर्थ कोरिया को जो है वो निलंबित कर दिया है। फिर बात करते हैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको दिखाए गए थे उन सभी का आंसर यहाँ पर आपको शो किया गया है। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस।